आपने फिल्म में किरदार देखा होगा जिसको गीता बबीता जिनके साथ प्रैक्टिस करती हैं, तो उनके कजन भी यहाँ पे हैं, ये भी पहलवानी करते हैं, इन्हीं को क्यों चुना था गीता पापा ने पीटने के लिए? इनसे कोई गलत शरारती थे ये? देखिए फिल्म में मतलब सिर्फ इन ये भाई दिखाए गए हैं, मेरे परिवार में और भी दो तीन भाई थे। सारे भाई पीटे आपने? नहीं ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, ये मसाला बनाने के लिए ऐसा हुआ था? फिल्म को गीता बबीता ने नहीं पीटा? नहीं नहीं नहीं, ये अभी तो मना करेगा इस शो पे बैठ के। देखो आप चाहे लाख कहें कि ये सच नहीं है, पर मैं आमिर खान पे बड़ा विश्वास करता हूँ। नहीं पर जब आप प्रैक्टिस करते थे गीता बबीता के साथ, हाँ जी, तो आपको ये होता था कि नहीं यार मेरी बहनें हैं, मैंने थोड़ा मैं आराम से मैं ज्यादा जोर नहीं लगाना है? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं मतलब प्रैक्टिस तो करते थे, ये तो सच है कि नहीं? मैं प्रैक्टिस तो करते थे ये। अच्छा। सच है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि ये कमजोर है या कुछ है। ताऊ जी तो स्पेशल कहते थे कि इनको तू सही कर सकता है। नहीं नहीं, ये सबसे ज्यादा गुस्सा इसको आता है, मतलब सही मतलब हमारी नाक रगड़ना, नीचे आने के बाद घुटना गर्दन पे रख देना कि रगड़ के लेना इनको। कपिल सर जब तक गुस्सा नहीं होगा तब तक आप रेसलिंग नहीं कर सकते। और वो नहीं, रितु भी उसके साथ है, रितु भी उसके जैसी ही है। अगर उंगली का अगर नाखून भी मिल गया तो उसको भी तोड़ के बाहर निकाल के ला सकते हैं। बड़े खूंखार पहलवान हो आप। गीता तो ये कुश्ती करती है मेरे साथ, मेरी पार्टनर ज्यादा होती है। अगर मैं चितना हो ना तो ये ऐसे ठोटी नहीं रगड़ देती कमर पे, जो कि लाओ नहीं है कुश्ती में। मतलब सगी बहन का भी कोई लिहाज नहीं, नहीं। पर अच्छी बात है ये, मतलब ये स्पिरिट आपके अंदर है जो है, और अगर बहन को भी नहीं माफ करती तो आगे चल के फिर ये गोल्ड लाएंगी, क्योंकि ये दूसरों को क्यों माफ करेंगी फिर? तो ऐसे ही रहिए आप। पर अभी आपको गर्व होता है इस बात में? हाँ बहुत ज्यादा। तो आपने कभी कहा है एक दो मेडल मुझे भी दे दो? मांगने से मेडल थोड़ी मिलेंगे सर। क्या बात है, ये तो कमाने पड़ते हैं। अच्छा वैसे आमतौर पर जो घरों में होता है बहन भाइयों में लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी बहनें एक बहनें भी आपस में लड़ती तो एक दूसरे की चोटियां खींच देती हैं, है ना? आपकी तो थी नहीं चोटियां। तो घर में लड़ते थे कि आप कहते थे चल बाहर आ अखाड़े में तुझे देखती हूँ? मैं सबसे बड़ी थी कपिल जी, तो आपसे तो पंगा लेती नहीं थी। मेरे से तो पंगा लेती नहीं थी, तो बाकी बबीता और ये बताएंगे। तो आप लोगों में लड़ाइयाँ होती कभी? हमारी लड़ाई हो जाती थी, लेकिन मम्मी बोलती थी कि यहाँ पे क्या लड़ाई कर रही हो, चलो मम्मी मैट पे दिखाओ किसमें ज्यादा दम है। तो क्या बात है यार, घर पे मतलब लड़ाई भी हो तो भी मैच। और तो मतलब बहने ही नहीं, मेरी माँ भी कई बार बोलती है जब मतलब कहीं हार के हम आ जाए तो वहां तो उससे हार आई, अब माँ के साथ लड़ रही है। तो आप फिल्में वगैरह आपने देखी? मतलब देखती थी उस समय तो नहीं देखती थी मेरे अब से? अब तो 4-5 साल से हम फिर भी बाहर रहे हैं तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम साल में एक बार 26 जनवरी देखते थे। 26 जनवरी का टीवी पे परेड आती है? यस, वही देखते थे और सुबह नहा धो के जल्दी तैयार हो जाते थे कि 10 बजे 11 बजे 26 जनवरी आएगा। तो स्वीट। क्योंकि मेरे पापा और कुछ देखने ही नहीं देते थे। अभी देखने देते हैं, अभी तो आप गोल्ड जीता ही, तो अभी फिल्म में देख लेती हैं? हमें अभी भी आज भी मतलब पापा अगर आते हैं तो हम न्यूज पे लगा लेते हैं, स्पोर्ट्स चैनल पे लगा लेते हैं। हालांकि उनकी पैनी नजर तो रहती है, पर अभी उनको ये हो गया कि अभी बेटियां बड़ी हो गई हैं तो ये समझदार है, तो अभी वैसे ही खुद ही अपनी प्रैक्टिस पे इतना ध्यान देती हैं कि अब थोड़े रिलैक्स लग रहे हैं। वो देखो उसे कैसे बैठे हैं। कुछ लेंगे चाय कॉफी? नहीं धन्यवाद। ऐसे क्यों लग रहा है मुझे आपको नींद आ रही? वैसे आपका फेवरेट कौन है बॉलीवुड में, कोई है? सबसे फेवरेट मेरे सन्नी देओल जी है, और यहाँ पे भी पैशन नहीं छोड़ा आदमी भी चुना तो सनी देओल 2.5 किलो बात। पर मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये शायद सनी देओल की फैन होगी निकली भी। आप भी पिता? नहीं, मेरे सलमान खान और आमिर खान दोनों रहे। अभी मेरी एक और फिल्म आ रही है उसके बाद आप मेरी फैन हो जाएंगे। आपके शो के फैन आपके फैन है कपिल, बिल्कुल। थैंक यू पिता। आपको पता मेरे पिताजी भी पहलवान थे, और वो पहलवानी करते करते फिर पुलिस में भर्ती हो गए थे। मेरे पिताजी का एक बड़ा मजेदार किस्सा था, मैंने कभी शेयर नहीं किया। जैसे आपने बाल कटवाए ना बेटियों के, तो मेरे पिताजी खुद ही अमृतसर में, भाजी भद्रकाली मंदिर है ना, बिल्कुल है, वहां पे मेरे पापा और 2-3 दोस्त, उन्होंने खाड़ा पूरा खुद बना, अखाड़ा पुट के ना, तो खुद ही बनाया मिट्टी का,
और पूरा बाल सफा चटकरा देते कि मेरी तरफ कोई देखे ना। मेरे पापा एक्चुअली बहुत हैंडसम थे, मेरे पे गए थे। मैं बहुत मिस करता हूँ कभी कभी उस आदमी को, बहुत बढ़िया मेरा दोस्त था। पहली बार देखा कि बेटे पे भाप गया। पाजी बड़ा मजेदार किस्सा है। मुझे समझ में नहीं आई आज तक, तू समझा दे। मेरी मम्मी अभी पंजाब है, होती तो मैं आपको को किस्सा सुनाता। मेरे ना नानके में, मेरे ननिहाल नानके साइड में सबके सब पुलिस में है। तो मेरे नाना ने मेहनत करके पुलिस वाला दामाद ढूंढा। तो ऊपर से बताया कि मेरा तो हमारा तो पहलवान भी है। तो मेरे डैडी घोड़ी पे चढ़ के बारात जब एंटर हुई ना गांव में, तो गांव में किसी ने बोल दिया होगा, किसी अमली ने, किसी नशेड़ी ने, आ तेरा वो पहलवान है तो कुश्ती करा। तो गांव में भी कोई पहलवान था, तो मेरे पापा थोड़े टेक्निक वाले पहलवान थे। तो वो जो था वो घी खा खा के अंधा हुआ था, उसको कुछ पता नहीं। डैडी ने दो मिनट में उसको मतलब चित कर दिया, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। तो मेरी मम्मी कहती मैंने भी कुश्ती देखने जाना, कहते नहीं नहीं अगर उसने तुझे देख लिया मना ना कर दे। मम्मी आई लव यू। हरविंदर मुझे एक बात बताओ, जैसे आमतौर पे किसी लड़की को कोई परेशान करे, बदतमीज कोई लड़का, तो वो कहती है मैं अपने भाई को बुला के लाती हूँ। हाँ जी। तो आपकी बहनें तो खुद ही पहलवान है, तो आपने कभी किसी को धमकी दी है कि किसी लड़के ने बताया कि मैं अपनी बहनों को बुला के लाता हूँ? ऐसी कभी नौबत नहीं आई। अच्छा ये सच्ची बात है महावीर जी? मैं आंटी आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने दंगल में ही देखा है फिल्म में, इन्होंने एक्चुअली प्रण किया था कि मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊंगा और अपने बेटे को पहलवान बनाऊंगा। तो जब पहली बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, तो लोग कहते हैं कि होते ना हर गांव में सारे सयाने होते हैं, एक दूसरे को नुस्खे बताते हैं, तो आपको नुस्खे बताते थे कि बेटा होने के नुस्खे ये, और ये सही बात? हाँ जी सही बात है। सबसे पहले तो मेरी माँ व्रत रखती थी लड़के के लिए। अच्छा। हाँ, कि लड़का हो मुझे। तो पहले आप लड़के के लिए व्रत रखती थी, अब लड़कियों के मेडल रख रही है। कहने का मतलब है लड़का लड़की ये तो सब ऊपर वाले की माया है, पर कोई कुछ भी कर सकता है। आपके मन में सच्ची लगन होनी चाहिए। अच्छा जैसे महावीर जी, जैसे नॉर्मल लड़का लड़के का रिश्ता होता है, जब अरेंज मैरिज होती है तो कुंडलियां मिलाई जाती हैं। अभी हाल ही में गीता की शादी हुई, तो आपने मेडल मिलाए थे आपस में शादी? मतलब पहले तो मैं आपको सच्चाई बताऊं जी, देखो अगर मेरा लड़का होता या किसी लड़का है जी, तो वो अपने जो लड़के शादी करता है जी, तो वो कहता है मैं फलाने गांव में लड़की देख के आऊँ, देखो उसके तू देख ले, पसंद कर ले। तो मैंने ये थोड़ी इजाज़त दे रखी है, पहली पसंद आपकी होगी जी, लड़कियों की, जहाँ चाहो वहाँ रिश्ता करूँगा और जब को उस टाइम तुम्हारी शादी करूँगा। और ये मैंने आज पूरी छूट दे रखी है सारी लड़कियों, जबकि हरियाणा माँ बाप इतनी छूट देते हैं जी। अरे ये तो बहुत बड़ी बात। गीता भी आपकी शादी मेरे ख्याल से रिसेंटली हुई ना? यस 20 नवंबर को हुई। 20 नवंबर को हुई है जी। मियां बीबी में नोकझोंक तो नहीं होती? मतलब मुझे तो लगता है इनकी नोकझोंक भी होती होगी तो सीधे कहती होंगी चलो आ जाओ फिर अखाड़े में। अगर गीता बबीता खुद ही हीरोइन होती फिल्म में, क्योंकि इन्हीं की लाइफ के ऊपर है, तो मैं आपको एक डायलॉग दूं आपको याद रहेगा। तो जब दोनों लड़कियां एक लड़के को पीट देती हैं, तो पिताजी पूछते हैं क्यों किया है, तो वो डायलॉग है कहती शुरुआत इन्होंने करी थी पापा, मन्ने कुतिया कह रहा था, बबीता ने कमी नहीं तो हमने भी दो चार धर दी। ये डायलॉग बोलना है मुझे। डायलॉग बोल के देखो मजा आएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ओरिजिनल हीरोइन जो है गीता बबीता, वो अगर बोलेंगी तो कैसे बोलेंगी? शुरुआत इसने करी थी पापा, मन्ने ना करी, गीता ने कुतिया कह था, मन्ने कमी नहीं, हमने भी धर दिए दो चार। क्या बात है। एक्चुअली इनके पास टाइम होता तो ये खुद ही कर लेती फिल्म, नेचुरल है ना ये। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.